नेक्स्ट ये कहता है टू एस्पियर है इच ऑफ मास एम और कैपिटल एम एंड रेडियस टू आर रिलीज इन स्पेस, स्पेस से रिलीज है सेंटर ऑफ 12 आर है, दे अट्रैक्ट इच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी। अब देखो क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर हम लोग के पास दो स्पीयर है, एक छोटू है और एक बड़ा है, दोनों के सेंट्रल डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, सेंट्रल डिस्टेंस दैट इज 12 आर, दिस इज द सेंट्रल डिस्टेंस। अगर इनको स्पेस में ले जाके छोड़ दोगे, ये जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस 2 आर है और इसके पास मास 5 एम है, ज़्यादा है, छोटा वाला का रेडियस आर है और इसका मास भी स्मॉल एम है, इनको स्पेस में ले जाके छोड़ दोगे तो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्ट होके कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन कर जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। तो मान लो यहाँ पे कोलिजन कर रहे हैं, यहाँ पे कोलिजन कर रहे हैं, यहाँ पे कोलिजन, इन दोनों का सरफेस मिल रहा है, कुछ ऐसे मिल रहा होगा, कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस मिल रहा होगा, तो ये पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाई द स्मॉलर, ये जो छोटू वाला है ये कितना डिस्टेंस चलेगा ये हमें निकालना। तो मान लो जो छोटा है, ये जो छोटा है वो डिस्टेंस x1 चला, ये डिस्टेंस, तो बड़ा वाला ये डिस्टेंस यहाँ से आगे ये मान लिया मैंने x2 चला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 2r है और ये r है और ये पूरा 12r है, तो 12r में से 3r निकाल दो तो x1 प्लस x2 का सम 9r हो गया, x1 प्लस x2 का जो सम आ जाएगा वो 9r हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा टारगेट है x1 निकालना, तो x1 कैसे निकाला जाए। अब x1 निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, अगर ये आगे आ रहा है तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होता है, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट x1 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन a1 टाइम t का स्क्वायर। टाइम दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा मेरे भाई, ये यहाँ से चला यहाँ से रहा, दोनों को सेम टाइम पे छोड़ा गया होगा, सेम कुछ t टाइम बाद दोनों का कोलिजन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सिमिलरली इसके लिए s इज इक्वल टू ut लगाओगे तो यह जाएगा x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए लिखोगे x2 इज इक्वल टू u a2 t स्क्वायर बाई हाफ, इस वाले के लिए s इज इक्वल टू ut, तो ये हम लोगों को रेशियो मिल गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन की रेशियो निकालनी पड़ेगी। अगर फोर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है, तो फोर्स दोनों पे कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब a1 अपॉन a2, और a1 किसको माने थे भाई, a1 हमने इसको माना था, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 1 अपॉन m आ गया, ठीक है। तो x2 ये आ जाएगा पूरा, और x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू 9r माइनस x1, x2 इज इक्वल टू यहाँ से x2 निकाल के रख दो और यहाँ से एक्सेलरेशन की रेशियो निकाल दो, क्योंकि ग्रेविटेशन और फोर्स दोनों पे सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि x2 की वैल्यू 9r माइनस x1 और ये आ जाएगा x1, यह आ जाएगा 1 अपॉन अरे भाई 5, ठीक है, तो ये 45r माइनस 5 x1 इज इक्वल टू x1, मतलब x6 x1 की वैल्यू 45r बाई 6, तो x1 इज इक्वल टू 742 और 30 5 42 और 3 37.5, तो आ जाएगा